जितने भी निकाय के शिक्षक हैं, इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है, वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान, जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है, वो दिया जाएगा। उनको तो 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी। और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय। 29 एजेंडा पर आज मंत्रिपरिषद में विचार हुआ और मंत्रिपरिषद ने विचार करने के बाद निर्णय लिया। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम एजेंडा था वो था बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023। इसके अंतर्गत जो हमारे आज के दिन में पंचायत में, जिला परिषद में, पंचायत समिति और नगर निकाय में जितने भी हमारे शिक्षक कार्यरत हैं, उनको सरकारीकरण करने का निर्णय सरकार ने लिया है। और उनको जो नामकरण उनका अब किया गया है, अब सभी इस प्रकार के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नाम रखा जाएगा। अभी ये व्यवस्था ये की गई है कि जितने भी निकाय के शिक्षक हैं, इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान, जो आज के दिन में उनका वेतनमान है, उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेंगी, एक परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद उन सभी शिक्षक जो है, वह जो वेतनमान है, जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान, जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है, वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी। और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है, उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन का भी व्यवस्था है। वर्ष कक्षा 1 से 5 के जो हैं, अगली श्रेणी जो होगी वो 6 से 8 की श्रेणी में 8 वर्ष में होगा। 6 से 8 वाली जो है, 8 वर्ष के बाद 6 से 8 वर्ष होगा। 9 से 10 वाले हैं उनको 8 वर्ष में प्रमोशन होगा और 11 से 12 में 8 वर्ष में प्रमोशन होगा। तो यह व्यवस्था की गई। साथ ही साथ जो ये लोग अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनको पहले 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे जिलों के, और सरकार उनके ऑप्शन के हिसाब से उनको पोस्टिंग देगी। मैं आपको पूरा डिटेल में दे देता हूँ, हम एक कॉपी पूरे नियमावली का कॉपी दे देता हूँ, मैडम आपसे दे देंगी। और बड़े तकनीकी है, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मिस इंटरप्रेट इसमें हो, तो आप इस नियमावली के आलोक में जो कॉपी है, जो डिटेल्स है, उसके आलोक में ये प्रमोशन है कि आपका हर 8 वर्ष में 1 से 5 का जो है 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 6 से 8 क्लास में, 6 से 8 क्लास वालों का 8 वर्ष में होगा, 9 से 10 वालों का 8 वर्ष में प्रमोशन होगा, 11 से 12 का 8 वर्ष में प्रमोशन। तो प्रमोशन की व्यवस्था है और प्रमोशन में भी कंडीशनल है, आपको अर्हता भी होनी है प्रमोशन के लिए। और साथ ही साथ इसके बारे में भी नियमावली महत्वपूर्ण ये बात है कि जब आप सरकारी सेवक में आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन देने पड़ेंगे, 3 ऑप्शन जिलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे और उसके अनुसार पोस्टिंग होगी। नहीं, ये आपका अभी जो विशिष्ट शिक्षक है, अभी वाले विशिष्ट शिक्षक जो है राज्य के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हो गया। प्रारंभ नियम अनुसार के साथ क्षमता परीक्षा में शामिल होने के समय जब आप परीक्षा में शामिल होंगे तो आपको 3 जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी, और जहाँ से वे अपनी सेवा देना चाहते हैं, और क्षमता परीक्षा में उनकी मेगा क्रमांक के आधार पर उन्हें उनके द्वारा चुना हुआ जिला मिलेगा। तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, अगर आप परीक्षा नहीं देते हैं या फेल हो जाते हैं तो जो बचे हुए हैं, जो स्थानीय निकाय के टीचर हैं,
उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी। अभी सर इनकी क्या स्थिति रहेगी, ये विशिष्ट अभी 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 जो स्थिति है, अभी जो स्थिति है, अपने ही वेतनमान में सरकारी सेवक होंगे, ठीक है। तो आपको मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ, आप मैडम से ले लीजिए, ठीक है। टोटल कितने होंगे सर, ऐसे टीचर मैं बता दिया ना, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी इनके बारे में। हाँ यस, साथ ही साथ जिलों का ऑप्शन देना है। ये हमको अनुमानित, हमको हम अनुमान नहीं मार सकते क्योंकि प्रस्ताव में केवल नियमावली की बात आ रही है, ठीक है। ये विभाग आपको दे देगा कि कितने लोग हैं, बट नियमावली मैंने पूरी डिटेल आपको दे दी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।